कोरोना को लेकर प्रदेश के मंत्रियों का घटिया तहसील पर 1 लाख तक के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र किसानों को बांटे गए। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में मध्य प्रदेश सरकार की ऋण माफी योजना को लेकर प्रदेश सरकार ने 1 लाख तक के कर्ज माफी की बात कही है। इसके चलते विधायक ने जनपद पंचायत के सभागृह में द्वितीय चरण में ऋण माफी की बैठक ली और आगामी 4 मार्च के कार्यक्रम के चलते घटिया तहसील में 2 मंत्रियों की आने की बात विधायक द्वारा बताई गई। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्री व प्रभारी मंत्री द्वारा ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र किसानों को दिए जाएंगे। इस मौके पर SGM पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार शिवराम कनासे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारिता बैंक उज्जैन से आलोक यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रशांत उइके, वीर सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष रमेश चंद्र गनावा, नायब तहसीलदार लोकेश चौहान, रामेश्वर सिंह पटेल, शिव हरदेनिया, केसर सिंह पटेल, ईश्वर सिंह, हरलाल मालवीय, भंवर सिंह मुकाती आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। 4 तारीख को माननीय हमारे कृषि मंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और उन्होंने किसानों का ऋण माफ किया है। ऋण माफी का जो 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है उसको लेकर एक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम रखा है गड्डिया में, उसको लेकर हमें सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। सारे जनप्रतिनिधि है, कार्यक्रम किस प्रकार किया जाए उसके लिए मीटिंग किया। कितनी जनता आने का इसमें? और जो जिन लोगों को हम लोग प्रमाण पत्र देंगे वो आएंगे और जो बाकी जो देखने वाले आए वो तो आएंगे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।